हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहित्य का सपोर्ट। एंड दोस्तों, अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हो, एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यूट्यूब पर मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर दोस्तों आपने चैनल तो बना लिया, मगर आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो। दोस्तों आपने एक वीडियो आज अपलोड की, एक वीडियो आप एक महीने के बाद अपलोड कर रहे हो, तो दोस्तों आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। चाहे आप 200 वीडियो डाल लो, 400 वीडियो डाल लो, आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। अगर आप YouTube से अर्निंग करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको YouTube पर रेगुलर काम करना पड़ेगा, YouTube पर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका चैनल ग्रो होगा एंड तभी आप YouTube से अर्निंग करना स्टार्ट कर पाओगे। एंड अगर आप YouTube पर मेहनत नहीं करते हो, YouTube पर रेगुलर काम नहीं करते हो दोस्तों, तो आप कितना ही नया चैनल बना लो, आपका चैनल ग्रो होगा ही नहीं। अगर दोस्तों आप YouTube पर एक महीने में 30 से 35 वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों आपका YouTube पर काम करना बेकार है। एंड आज मैं आपके लिए एक ऐसा चैनल आइडिया लेकर के आया हूँ, जिसमें ना ही आपको अपना फेस दिखाना है, ना ही आपको अपनी वॉइस ओवर करनी है। आज का जो कंटेंट दोस्तों, वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है एंड दोस्तों इस पर बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। एंड अगर आप इस कंटेंट पर रेगुलर काम करते हो दोस्तों, तो आपका कोई ना कोई वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ओपन कर लेता हम लोग अपना क्रोम ब्राउज़र, एंड क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों हम लोग सर्च करेंगे इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। ठीक है, हमारे सामने काफ़ी सारी वेबसाइटें आ जाती हैं एंड आपको किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरी मिल जाती है इमोशनल वाली। ठीक है, काफ़ी सारी वेबसाइटें हैं, इनमें आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाती हैं, तो हम लोग किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। एंड दोस्तों वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें स्टोरी मिल जाती है, एक इमोशनल स्टोरी मिल जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी स्टोरी एंड काफ़ी लंबी स्टोरी रहेगी यहाँ तक। तो इसको आपको पूरी को कॉपी करना है, तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको काफ़ी और भी स्टोरीज मिल जाती हैं, जो कि आप कॉपी करके इस पर कंटेंट बना सकते हो। तो दोस्तों हम लोग इस वाली स्टोरी को अभी कॉपी कर लेंगे। एंड कॉपी करने के लिए सिंपली आपको 3 सेकंड तक क्लिक करके रखना है एंड नीचे की तरफ आपको लेकर के आना है एंड ऊपर भी पूरा कवर कर लेना है एंड नीचे की तरफ आपको पूरा लेकर के आना है एंड इसको कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको अपने ऐप्स में जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है नोट्स। एंड दोस्तों सभी के फ़ोन में नोट्स होता है, एंड आपके फ़ोन में नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्लस का एक ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है जो हमने स्टोरी कॉपी की है। अब दोस्तों यहाँ पर पेस्ट करने का हमारा एक ही मकसद है, इसमें हमें थोड़ी सी एडिटिंग करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ मिलेगा आपको इमोशनल स्टोरी इन हिंदी, इसको हमें काट देना है। आपको अपने पूरे टेक्स्ट में देख लेना है, इस तरीके का अगर लिखा हुआ कहीं आपको मिले तो आपको उसको काट देना है। एंड अभी कहीं नहीं है तो दोस्तों आपको इस पूरे टेक्स्ट को अब कॉपी कर लेना है। चलिए कॉपी कर लेते हैं इस पूरे टेक्स्ट को, कॉपी पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारा टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों हम इस टेक्स्ट से वॉइस को कन्वर्ट करेंगे। तो टेक्स्ट से वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। एप्लीकेशन आपको दोस्तों प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है आपका समय बचाने के लिए। तो इस वाली एप्लीकेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, वहाँ आपको सिलेक्ट करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिंदी इंडिया का, आपको हिंदी इंडिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर दोस्तों आपको 5 नंबर की वॉइस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये नीचे की तरफ 5 नंबर की वॉइस आपको मिल जाती है, इसको आपको क्लिक करके डन कर लेना है। एंड उसके बाद दोस्तों इंटर टेक्स्ट हेयर पर आपको जो आपने कॉपी किया था टेक्स्ट वो पेस्ट कर देना है। एंड अब पेस्ट करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ आप आएंगे, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है स्पीड का, यहाँ मैं दिखा देता हूँ बीच वाला ऑप्शन है एक स्पीड का, इसको आपको दोस्तों कम करके 20% कर लेना है। तो हम लोगों ने कर लिया इसको 20%। अब दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पीकर का, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है एंड जो आपका टेक्स्ट है वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोस्तों आपको इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है सेव का, जस्ट इसके बगल में राइट साइड में, इस पर आपको क्लिक कर लेना है एंड थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर टाइमिंग चल रही है एंड मैं इसको जल्दी कर देता हूँ स्किप। अब फाइल सेव करने के लिए हमें इसमें नाम डालना है, तो हम लोग इसमें डाल देंगे फाइल 10.0 एंड इसको सेव कर देंगे इस नाम से। हमारी फाइल अब सेव हो रही है एंड अब हमारी फाइल हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसको एडिट करने के लिए एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हम लोग यहाँ पर कैनवास्टर का यूज़ करने वाले हैं, आप चाहे तो किसी और एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। एंड ये वाला कैनवास्टर आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं हमारे कैनवास्टर एप्लीकेशन को।
एंड अब आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है एंड 16:9 की रेशियो को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक कर लेना है एंड क्रिएट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। दोस्तों ये वाला बैकग्राउंड मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बैकग्राउंड हमने ले लिया है, इसकी टाइमलाइन को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से इसको खींचेंगे तो ये टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी हमारी। तो दोस्तों इसको और बढ़ा लेते हैं एंड 1 मिनट तक कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा 1 मिनट तक हो चुका है। अब दोस्तों हमें इसमें अपनी स्टोरी को लेकर के आना है। तो स्टोरी ऐड करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड अपनी स्टोरी को पूरा पेस्ट कर देना है। एंड दोस्तों हमें इसको पूरा ही ऐसे ही नहीं रखना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें हमारे 5 पैराग्राफ है। अब आपको सबसे पहले वाले पैराग्राफ को लेना है एंड बाकी के 4 पैराग्राफ को अभी हम लोग रिमूव कर देंगे। एंड जो हमारा पहला वाला पैराग्राफ है इसमें दोस्तों हम लोग छोटे छोटे कट लगाएंगे, छोटी छोटी लाइनें बनाएंगे। तो यहाँ बीच में मैं बगल में कट लगा देता हूँ एंड एंटर मारेंगे। एंड इसी तरीके से आपको 4-4, 5-5 वर्ड को एक लाइन बनानी है। तो यहाँ इस तरीके से हम लोग एक टेक्स्ट को, एक पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे एंड इतना हमारा हो गया है। अब इसको दोस्तों हम लोग ओके कर लेंगे। अब हमारा कुछ इस तरह आपको दिखेगा। अब दोस्तों इसमें फॉन्ट ऐड करेंगे तो फॉन्ट का एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर डबल ए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड दोस्तों इसमें आप कोई भी फॉन्ट ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर दोस्तों रोबोटो ब्लैक वाला, रोबोटो बोल्ड वाला ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसको हम लोग ओके कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कलर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है एंड ब्लैक कलर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ चुका है। इसको नीचे की तरफ लेकर के आएंगे यहाँ इस तरीके से। अब हमें दोस्तों अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, खींच करके थोड़ा बड़ा करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको खींचेंगे एंड थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा लेफ्ट साइड में चाबी का, आपको उस चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एंड दोस्तों आपको स्क्रीन को आगे बढ़ाना है इस तरीके से एंड प्लस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपका जो टेक्स्ट है उसको ऊपर खींच करके लेकर के आना है एंड लास्ट में इसको ख़त्म करना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। अब मैं दोस्तों आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वे बहुत संघर्ष करते थे और दिन भर मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे, परंतु उन अब जो हमारा टैक्स है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। अब दोस्तों इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो खींच करके हम लोग इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इतना कर लेते हैं। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वे बहुत संघर्ष करते थे और दिन भर मेहनत करके अपना। तो ये यहाँ पर अब ठीक चल रहा है पहले से। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। जहाँ तक हमारी ऑडियो चले उसी हिसाब से हमारा जो टैक्स है वो भी चले। अब आपको दोस्तों अपने टैक्स को सिलेक्ट करना है, ऊपर 3 डॉटेड पर आपको क्लिक करना है एंड इसकी एक डुप्लीकेट लेयर को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे की तरफ आना है जहाँ हमारा टैक्स ख़त्म हो रहा है पहला वाला एंड नीचे वाली लेयर को खींच करके उसके बाद रखना है। अब आप देखेंगे तो ये जो नीचे वाली लेयर है जस्ट उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से वो भी स्टार्ट हो जाएगी, उसके जस्ट पीछे पीछे ये भी चलेगी। तो अगला वाला जो टैक्स है वो हम लोग इस पर देंगे। एक व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए काफ़ी थी। बस अभी हम लोग दूसरे लेयर को अपना सिलेक्ट कर लेंगे। अगर दोस्तों आगे पीछे हो रही है दोस्तों तो आपको अपने टैक्स के साइज़ को आगे पीछे कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड एडिट पर क्लिक कर लेंगे। एंड एडिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमारा टैक्स है पहला वाला, इसको हम लोग काट देंगे पूरा। अब हमारी पूरी स्टोरी को पेस्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड शुरुआत में आएंगे दोस्तों एंड जो हमारी पहला वाला पैराग्राफ था इसको अभी हम लोग काट देंगे क्योंकि हम लोग इसका यूज़ कर चुके हैं। एंड दूसरे वाले पैराग्राफ को हम लोग यूज़ करने वाले तो उसको छोड़ देंगे एंड नीचे वाले पैराग्राफ को हम लोग यहाँ पर काट देंगे पूरे को। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। अब आधा आधा जो मैंने आपको बताया था 4-5 वर्ड आपको एक लाइन में रखने हैं, उसी तरीके से इसको भी कट आपको कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसको कर लिया है, इसको ओके कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर नीचे हो रहा है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे कर लेना है, थोड़ा सा आगे एंड नीचे वाली लेयर को खींच करके आपको इसको थोड़ा सा आगे कर देना है। अभी हम लोग इसको चला करके देख लेते हैं। तो ये पीछे पीछे सही चल रहा है
अब दोस्तों ये क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा स्पेस होते हैं इस वजह से ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो आपको दोस्तों इसको सही से एडिट कर लेना है। तो चलिए मैं पूरे अपनी ट्रैक्स को एडिट कर लेता हूँ एंड पूरी एक स्टोरी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर रिमूव कर देना है, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करने के बाद आपको आ जाना है शुरुआत में। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी वीडियो को प्ले करके देखना है एंड समझना है कि उसमें वर्ड क्या बोले गए हैं। गांव में एक गरीब परिवार रहता था। तो यहाँ पर बोला गया है एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। अब हमें दोस्तों एक गरीब परिवार की इमेज को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों इमेज को डाउनलोड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों इमेज सर्च मैन। ये एप्लीकेशन है, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो इस वाली एप्लीकेशन को हम लोग ओपन कर लेंगे। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको अपनी पूरी स्टोरी को पहले पूरा सुन लेना है एंड दोस्तों आपको वहाँ पर मेन जो वर्ड बोले गए हैं उसी इमेज को यहाँ पर सर्च कर लेना है एंड डाउनलोड कर लेना है। पहले डाउनलोड करके आपको रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ गरीब परिवार एंड सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे गरीब परिवार के हमारे सामने फ़ोटो आ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग इन फ़ोटो को ले सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ख्याल रखना है, जिस भी इमेज को आप डाउनलोड करो आपको देख लेना है उस इमेज पर किसी भी तरीके का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। एंड आपको सिंपल डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है एंड आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इससे रिलेटेड और भी फ़ोटो मिल जाती हैं, आपको जो फ़ोटो पसंद आती है आपको यहाँ पर से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। अब हमारी फ़ोटो यहाँ से हमें मिल जाती है। अब वापस से हमें आ जाना है अपना कांड मास्टर एप्लीकेशन में एंड दोस्तों फोटो को ऐड करने के लिए आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है एंड दोस्तों आपकी पिक्चर में आपकी फ़ोटो सेव हो जाती है, इस पर आप क्लिक करके आपको फ़ोटो की ऐड कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको जूम कर लेंगे। अब दोस्तों ये थोड़ी बड़ी हो रही है फ़ोटो, इसको एडजस्ट कर लेंगे। आपको क्रॉप पर क्लिक करना है एंड दोस्तों इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों बैक कर लेना है एंड इसको यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं। एंड अभी आपको यहाँ पर एक एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इन एनिमेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है एंड इसमें हम लोग पॉप वाला एनिमेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं प्ले करके देख लेता हूँ। परिवार रहता था एंड इसको हम लोग यहीं तक रखेंगे एंड आगे प्ले करके देख लेते हैं। बहुत संघर्ष करते थे और दिन भर। तो दोस्तों आगे के लिए हम लोग दूसरा फोटो यूज करेंगे। संघर्ष करते थे और तो मैंने फोटो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ फोटो को, ठीक है। फोटो हमारा आ चुका है। अब दोस्तों इसको भी हम लोग क्रॉप कर लेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करते हैं एंड इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर दोस्तों इसकी जगह एडजस्ट करेंगे, अपनी दूसरी लाइन बोली जा रही है यहाँ पर। अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। वे बहुत संघर्ष करते थे और दिन भर मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। तो यहाँ पर इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर तीसरे फोटो का यूज करेंगे। तो तीसरा फोटो हम लोग ये वाला यूज़ करने वाले हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको अपनी स्टोरी को सुनते जाना है एंड इसमें फ़ोटो लगाते जाना है एंड दोस्तों आप एक बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार कर लोगे दोस्तों एंड आपकी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम या फिर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा एंड आपका चैनल ईजिली मोनिटाइज हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको पूरी वीडियो एडिट करने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना है एंड एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऊपर की तरफ एक्सपोर्ट का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको सेव एज वीडियो पर क्लिक कर लेना है एंड आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड आज का चैनल आईडी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।